है कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो हमें स्टूडेंट लाइफ से ही स्पिरिचुअलिटी पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को देखने के लिए यदि हम कुछ समय लेते हैं कि जैसे हम 60 साल या 70 साल के हो जाएंगे इसके बाद स्पिरिचुअलिटी पे जाएंगे, तो शायद तब हमारे पास वो टाइम न रहेगा कि हम स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे पाएं। क्योंकि इंसान करता भी वही है कि शुरू से लेकर 20 से या 30 साल से लेकर के 40 साल 50 साल तक इनकम करेगा, और इसके बाद 20 साल में वही 50 से 60 70 के बीच में जितना भी इनकम किया रहेगा उसको क्या करेगा, अपने स्वास्थ्य में खत्म कर देगा। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साथ साथ जो है ना स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर के चले कि वास्तविक दुनिया है क्या। आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एंजाइटी या कि फिर किसी भी तरह से चिंता में डूबे रहते हैं और उनका बहुत अच्छे से स्टडी नहीं हो पा रहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पीके तिवारी Plus 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस मैटर को कि मतलब किस तरह से हम यदि मान के चलिए कोई स्टूडेंट है वो असफल हो रहा है, वो कई एग्जाम दे रहा है लेकिन उसकी मेरिट में नाम नहीं आ रही, तो इन सारी चिंताओं से हम कैसे मुक्त हों इसको समझते हैं हम एक कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि मगध में एक व्यापारी रहा करते थे। उनका व्यापार बहुत अच्छे से चलता था, काफ़ी धन था, उन नगर के सबसे बड़े सेठ थे। उनके पास इतना इनकम था कि लगभग उनके बाद यदि वो चाहते तो उनका नेक्स्ट जनरेशन जो था वो भी आसानी से उसी पैसे में अपना निर्वाहन कर सकता था। एक दिन उन्होंने अपना पूरा अकाउंट किया, अपनी पूरी काउंटिंग की कि यार मेरे पास कितने मनी हैं, कितना पैसा है मेरे पास, कितना धन दौलत है। तो उनके पास इतना ही धन दौलत था कि उनके बाद सिर्फ उनके बच्चे का परवरिश उससे अच्छे से हो सकता था। सेठ जी को बहुत ही तकलीफ हुआ, वो सोचे कि यार ये तो बहुत ही कम धन है, इसमें तो इतना होना चाहिए कि इसके बाद मेरे बाद मेरे बच्चे के बाद मेरे और नाती के बाद मेरे पोते के ये सब लोगों को मेरे धन से पूरी निर्वहन हो जानी चाहिए, मतलब अभी मेरे पास धन का अभाव है। उसी समय की बात है, वहीं से कुछ दूर भगवान बुद्ध आए थे प्रवचन करने के लिए। नगर सेठ जी वहां जाते हैं और भगवान के पास जाकर, भगवान बुद्ध के पास जाकर के पैरों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। बोलते हैं, भगवान मैंने इतना इनकम किया, मैं आज इस नगर का सबसे बड़ा सेठ हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना ही धन है कि इस धन से सिर्फ मेरे बच्चे का आगे चल के गुजारा हो सकता है, इसके आगे का गुजारा नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध उसको समझते हैं और मुस्कुराते हैं। इसके बाद बोलते हैं, बस इतनी सी बात, ये तो तुम्हारा ये जो चिंता है ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इस समस्या का समाधान हम जरूर बताएंगे। सेठ जी खुश हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आज रात नगर से बाहर एक झोपड़ी है, वहाँ जा कर के एक दिन का राशन दे करके आप आइए, इसके बाद हम आपसे मुलाकात करते हैं। नगर सेठ जाते हैं और नगर से बाहर एक झोपड़ी उनको दिखाई देता है। वहाँ जाते हैं और मतलब एक दिन का राशन जितना भी होता है खाने पीने के लिए जो भी आइटम लगता है सब लेकर जाते हैं। जाके देखते हैं कि उस कुटिया में एक जवान बहू रहती है और उसकी सास ध्यान करती है, ध्यान मुद्रा में, जबकि बहू खाना बना रही होती है। नगर सेठ ने आवाज़ लगाया, बोला मैं इस नगर का सबसे बड़ा धनी आदमी हूँ और आपके लिए एक दिन का राशन लेके आया हूँ जिससे आप अपना एक दिन का निर्वहन इस राशन से कर सकते हैं। अंदर से बहू ने रिप्लाई दिया कि हमें आपके इस राशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आज हमारे पास खाने के लिए है। तो नगर सेठ बोले कि आप एक काम करिए, इसको रख लीजिए, ये आपके कल के लिए हो जाएगा। बहू का रिप्लाई होता है कि हम कल के लिए क्या करेंगे, हम खाना कल के लिए नहीं रखते, कल के लिए हम फिर से कल देखेंगे। ये सुन करके नगर सेठ को बहुत आश्चर्य होता है और वो राशन नहीं लेती है। बाद में नगर सेठ जाते हैं और फिर बुद्ध भगवान के पास जाते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं, बोले भगवान मुझे समझ में आ गया।
बाद में बोले कि फिर भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें चिंता क्यों सताता है कि आने वाले कल में हम क्या करेंगे, आने वाले कल के लिए हम क्या रखें, और पीछे जो हो गया, पास्ट में जो हो गया, उसको हम कैसे सुधारें। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, तुम्हारे बस में सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ भी आज है वो तुम कर सकते हो, क्योंकि कल कभी आने वाला नहीं है। कल हो सकता है कि जिस घटना को लेकर के, जिस अपने प्रयोजन के लेकर के तुम चिंता कर रहे हो, वो हो सकता है कि घटे ही ना। क्योंकि इंसान के लाइफ में 90% ऐसे केस होते हैं कि जिसको लेकर के हम परेशान रहते हैं, वास्तविकता में ऐसी घटनाएं होती ही नहीं है। या कि पास्ट में जो आपका हो गया, जो पहले हो गया, उसको आप सुधार भी नहीं सकते। तो इन चीज़ों के बारे में व्यर्थ सोच सोच करके और अपने आप को चिंता में डालना कहाँ की होशियारी है। भगवान बुद्ध उनको समझा रहे थे कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही दिन है, आज के ही दिन को बेहतर करो, आज के दिन को इतना अच्छा करो कि आने वाला कल तुम्हारा खुद ब खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। भविष्य की चिंता करने से कुछ बन तो नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप भविष्य की चिंता करके अपने भविष्य को सफल कर लें। हाँ, ये है कि आप चिंता करके अपने आप को कमजोर और बीमार जरूर बना लेंगे, तो चिंता नहीं करना चाहिए। फिर नगर सेठ ने जवाब दिया कि ऐसा है भगवान कि मान लीजिए मैं चिंता ना भी करूं, फिर भी परिवार की चिंता मुझे बनी रहती है। बोले चिंता करना आवश्यक नहीं है। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया कि चिंता करना आवश्यक नहीं है, हम आपको सिखाते हैं चिंतन करना। आपको चिंता के जगह में चिंतन करना चाहिए। चिंतन का मतलब है कि आपको ध्यान करना चाहिए। और भाइयों, आज के डेट में ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उन्हें बताया कि जब तुम जन्म नहीं लिए थे तब भी ये संसार ऐसी ही थी, जब तुम मर जाओगे तब भी ये संसार ऐसा ही रहेगा। तो क्या तुम्हारे बस में कुछ है? क्या तुम कुछ परिवर्तन कर सकते हो? नहीं। इसलिए चिंतन करो, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओगे तो जिस दिन तुम्हारी आत्मा तुमसे एक तुम्हारे बॉडी में जितने भी मोह हैं इससे अलग हो करके, और तब किसी चीज़ के बारे में वो सोचना ही नहीं रहेगा, वो सिर्फ मतलब एकाग्र माइंड हो जाएगा। और जब एकाग्र माइंड हो जाएगा तो आप जो भी करेंगे वो आपका बेस्ट रहेगा, और आप प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे, पास्ट और फ्यूचर में नहीं। चूंकि प्रेजेंट में जीना ही हमारे बस में, हम कुछ भी पास्ट में जाके नहीं सुधार सकते, या कि भविष्य में जाकर के हम क्या होने वाला वो हमें पता ही नहीं है, तो उसे लेकर के चिंता करना बेकार है। इस कहानी के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की आशा मत करो। आपका काम ये है कि आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। उस दिन को आप ऐसे जियो कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ लूँ, जितना मैं याद कर सकता हूँ कर लूँ, क्योंकि कल नहीं आने वाला है। तो यदि आप इस रोटेशन से वर्क करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। नोबडी हैज टू फेल। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको फेल कर सके। आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से मोटिवेशन वीडियो के लिए बने रहिए Plus 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।